हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम की। जो है असाइनमेंट प्रॉब्लम के सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, देखो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस टाइप असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम में फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं और हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कैसे हम किसी भी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हियर प्रॉब्लम फर्स्ट, सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम बाय असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसे हमें इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 रोज हैं और कॉलम कितना है 1 2 3 4, 4 कॉलम है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए जो कम है, अगर रो कम है तो एक जो है डमी रो क्रिएट करेंगे, और अगर कॉलम कम है तो एक डमी कॉलम हम यहां पे क्रिएट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में कॉलम कम है तो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम यहां बना लेंगे। तो सोल्यूशन में ये आ जाएगा, हम एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करेंगे यहां पे, और वो डमी कॉलम रहेगा 0 0 0 0 0। तो हमारा अब क्या हो गया, देखो अब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 ही कॉलम है। अब हम इसे असाइनमेंट प्रॉब्लम के प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, उसमें क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं रो रिडक्शन। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें रो रिडक्शन को फाइंड करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, वन स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा फर्स्ट रो रिडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन में क्या करते हैं, रो रिडक्शन में फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू को जीरो करते हैं, लेकिन इत्तफाक से मिनिमम वैल्यू ही जीरो है। जिसमें किसी भी रो या कॉलम में अगर मिनिमम वैल्यू जीरो आ जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। इस फर्स्ट रो को सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, हो जाएगा 9 14 19 15 0। सेकेंड रो में भी सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे, 7 17 20 19 0। थर्ड रो में भी मिनिमम वैल्यू जीरो है, इसलिए ये भी सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, 4 18 21 18 0। फोर्थ में भी सेम होगा क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 10 15, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, वो जीरो है। जिसमें मिनिमम वैल्यू जीरो होगा उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड में आते हैं। इसमें लिखेंगे कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। इसमें भी 5x5 का टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम फर्स्ट कॉलम में देखते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। फर्स्ट कॉलम की सबसे मिनिमम वैल्यू देखिए, फर्स्ट कॉलम में 4, तो 4 के प्लेस पर लिखेंगे 0। अब क्या करेंगे, 9 माइनस 4 क्या होता है, 5।
सेवन माइनस फोर थ्री, टेन माइनस फोर सिक्स, टेन माइनस फोर सिक्स। सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ट्वेल्व है, ट्वेल्व हो जाएगा जीरो। फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू, सेवनटीन माइनस ट्वेल्व फाइव, एटीन माइनस ट्वेल्व सिक्स, फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व थ्री। थर्ड रो में सॉरी थर्ड कॉलम सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, फिफ्टीन, फिफ्टीन हो जाएगा जीरो। तो नाइनटीन माइनस फिफ्टीन फोर, ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन फाइव, ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन सिक्स, एटीन माइनस फिफ्टीन थ्री। फोर्थ कॉलम सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, फिफ्टीन, फिफ्टीन के प्लेस पे हो गया जीरो। नाइनटीन माइनस फिफ्टीन फोर, एटीन माइनस फिफ्टीन थ्री, नाइनटीन माइनस फिफ्टीन फोर, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन वन। इसमें सारे जीरो हैं इसलिए इसमें से कोई चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट जब हम कॉलम रिडक्शन बना लेते हैं, अब हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम जीरो को क्या करें, स्क्वायर से उसे बाउंड करें, मतलब उसे प्लॉट करें, इसमें स्क्वायर प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट रो में आए, इस वाले जीरो को प्लॉट कर दिया स्क्वायर में। सेकेंड रो में आए, इस वाले जीरो को हमने स्क्वायर प्लॉट कर दिया। थर्ड रो में इस वाले जीरो को हमने स्क्वायर प्लॉट कर दिया। फोर्थ रो में आए, इस वाले जीरो को हमने प्लॉट कर दिया। और फिफ्थ में आए, हमने इस वाले जीरो को प्लॉट कर दिया। ओके स्टूडेंट, यहां हमने क्या करा कि सारे जीरो को हमारा ये प्लॉट हो गया। जब ये हमारा प्लॉट हो गया तो ये हमारा फाइनल आंसर दे देगा। ओके स्टूडेंट, क्या देगा ये हमारा फाइनल आंसर हमें दे देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे क्या है, अब हमारे पास क्या था, ये 5x5 का हमारा क्वेश्चन था, 5x5 का क्वेश्चन था। और हमारे पास हमें जितने जितने बाई जितने का क्वेश्चन होता है उतने ही बाई का हम क्या करते हैं, हमें उतने ही स्क्वायर प्लॉट करना होता है इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 प्लॉट हो गया, इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है, तो यहीं पे आ जाएगा। अब लिखेंगे हेंस, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज क्या है हमारा, देखो फर्स्ट रो का फोर्थ, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम क्या है, फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम है 15, तो लिख दिया 15 प्लस सेकेंड रो का फिफ्थ कॉलम, सेकेंड रो का फिफ्थ कॉलम जीरो प्लस थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम फोर प्लस फोर्थ रो का सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो का सेकेंड कॉलम ट्वेल्व प्लस फिफ्थ रो का थर्ड कॉलम, फिफ्थ रो का थर्ड कॉलम 15 इक्वल टू 15 और 15 30, 30 और 12 42, 42 और 4 46, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी अनबैलेंस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार हम फिर से आपको रिपीट करना चाहेंगे, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, सबसे वो अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी भी गिवन क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है। तो हम उसे पहले हम अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है तो पहले उसे हम बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारा देखिए नंबर अगर रो कम है तो रो क्रिएट करते हैं, डमी रो क्रिएट करते हैं, और अगर कॉलम कम है तो कॉलम डमी रो डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। तो ये हम स्क्वायर फॉर्म में बना लेते हैं। अब देखो हमने बना लिया था क्योंकि इसमें जो है एक कॉलम कम था, ये 5x4 ऑर्डर का था ये, तो हमने इसे 5x5 ऑर्डर बनाने के लिए एक डमी कॉलम को क्रिएट कर लिया, ये हमारा एक्चुअल फॉर्म में आ गया, बैलेंस फॉर्म में आ गया। उसके बाद हमने रो रिडक्शन निकाला, रो रिडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ बिकॉज कि किसी रो में अगर मिनिमम वैल्यू जीरो आ जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि जीरो को हम जीरो लिख दिया, नाइन माइनस जीरो करेंगे नाइन आएगा, फोर्टी माइनस जीरो करेंगे फोर्टीन आएगा, नाइनटीन माइनस जीरो करेंगे नाइनटीन आएगा,
कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद हम कॉलम रिडक्शन निकालते हैं। कॉलम में फर्स्ट कॉलम सबसे मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, 0 करा। उसके बाद हमने क्या करा, 9 माइनस 4 5 आ गया, 7 माइनस 4 3 आ गया, 10 माइनस 4 6 आया, 10 माइनस 4 6 आ गया। सेकेंड कॉलम में स्टूडेंट सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा 12 है, 12 की प्लेस पे 0 लिखा, 14 माइनस 12 2 आ गया, 17 माइनस 12 5 आ गया, 18 माइनस 12 6 आ गया, 15 माइनस 12 3 आ गया। अगले में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 15 है, तो यहाँ 15 में 0 लिख दिया, 19 माइनस 15 4 आ गया, 20 माइनस 15 5 आ गया, 21 माइनस 15 6 आ गया, 18 माइनस 15 3 आ गया। नेक्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू 15 है, 15 की प्लेस पे 0 लिखा, 19 माइनस 15 4 आ गया, 18 माइनस 15 3 आ गया, 19 माइनस 15 4 आ गया, 16 माइनस 15 1 आया, अगला 0 0 0 लिख दिया। अब इसमें क्या करना होता है, हर सेल में हमें 0 को अलॉट करना होता है, प्लॉट करना होता है स्क्वायर से। तो फर्स्ट रो में हमने इसे प्लॉट कर दिया, सेकेंड रो में इसे प्लॉट कर दिया, थर्ड रो में इसे कर दिया, फोर्थ रो में इसे कर दिया और फिफ्थ रो में इसे कर दिया। इतना ध्यान रखना है कि किसी भी रो या कॉलम में एक स्क्वायर से ज़्यादा प्लॉट नहीं होना चाहिए और हमें उतने जो है स्क्वायर प्लॉट करना है जितने जितने ऑर्डर का हमारा मैथ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम हमारा 5x5 का, तो 5 हमें स्क्वायर प्लॉट करना था, 1 2 3 4 5 प्लॉट हो गया। अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लॉट करना था, 5 मिल गया, तो यहीं से हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। हेंस ऑप्टिमल सोल्यूशन इज 15 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 15 ऐड कर लिया, 46 आ गया और यही हमारा फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी अनबैलेंस प्रॉब्लम को, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।